अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप? चलिए एसएसटी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज खोलिए, पेज नंबर 12। आज हमने टॉपिक पढ़ना है यूरोप। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट की जगह आपने लार्जेस्ट लिखना है। यूरोप इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट कंप्राइज द वेस्टर्न मोस्ट पेनिनसुला ऑफ द जॉइंट यूरोपियन यूरेशियन लैंडमास कवरिंग ऑलमोस्ट 2% ऑफ द अर्थ सरफेस। यूरोप टेक 6.8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। यूरोप इज होम टू ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज एंड इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ तक उसने बताया है कि जो यूरोप है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और आबादी के लिहाज से एशिया और अफ्रीका के बाद ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसने ज़मीन का 6.8% हिस्सा घेरा हुआ है। आगे देखिए, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। और रशिया जो है, रशिया रूस को कहते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है ये मुल्क है। एंड वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट। रशिया हैज़ गॉट टेरिटरी इन बोथ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड टेक्स अप अराउंड 40% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ यूरोप। यूरोप और इसमें से एशिया में से रशिया ने 40% हिस्सा ज़मीन का घेरा हुआ है। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द वाटरशेड ऑफ द काकाउस माउंटेन्स, द यूराल रिवर, द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी एंड द वाटरवेज कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड एजियन सी। यूरोप इज बॉर्डर्ड बाय अरेक्टिक ओशन इन द नॉर्थ साइड, अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट साइड, मेडिटेरियन सी टू द साउथ एंड द ब्लैक सी एंड कनेक्टेड वाटरवेज ऑन द साउथ ईस्ट साइड। ये समझना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बस वही आपके लिए ज़रूरी था जितना मैंने आपको बताया। इसमें उसने बताया हुआ है कि यूरोप जो होता है ये अलहदा होता है एशिया से। इसके ज़रिए से काकाउस है, ये इसका पहाड़ का नाम है काकाउस यूराल रिवर, ये दरिया का नाम है। इन्होंने यूरोप को एशिया से अलहदा किया हुआ है। और इसके नॉर्थ साइड पर, इसके शुमाली साइड पर क्या है, अरेक्टिक सी है, अरेक्टिक ओशियन है। और इसकी वेस्ट साइड पर जो है ये मेडिटेरियन सी है, साउथ में इसकी मेडिटेरियन है। बस आप इतना ही जान लें कि ये जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसने ज़मीन का 6.8% हिस्सा घेरा हुआ है। अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाद ये दुनिया का पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब हम इसका होमवर्क करते हैं। देखें पेज नंबर 14 पर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका होमवर्क देखें। इसी तरह आपने होमवर्क करना है, डेट लिखनी है, होमवर्क यूनिट नंबर ऊपर आपने टॉपिक लिखना है, 7 कॉन्टिनेंट्स। आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप के बारे में आप क्या जानते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, यूरोप इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट कवर्स नियरली 6.8% ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर आप ऐसे करें, थर्ड की जगह सेकंड लिखें, क्योंकि थर्ड वो पॉपुलेशन के लिहाज से है।
सेकंड आप लिखेंगे इधर, थर्ड पॉपुलेशन के लिहाज से है, और वैसे रकबे के लिहाज से ये दूसरा बड़ा है। यूरोप इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट कवर्स नियरली 6.8% ऑफ द अर्थ सरफेस। कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर आजम है, इट और इसने ज़मीन का तकरीबन 6.8% हिस्सा घेरा हुआ है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है।